अगर कोई क्वेश्चन ना मिलेगा, अगर जो मेरी टीचिंग क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो उससे पहले वो अपने आईक्यू पे क्वेश्चन मार्क लगा ले। मैं जितनी सरल शब्दों में बात करता हूं उतने सरल शब्द भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर उसका आईक्यू लेवल बहुत पुअर है। वो कुछ चपरासी और बाबूगिरी देख ले, जजी बागे बस की बात नहीं। हमारा हमेशा से मानना ये रहा है कि हमेशा अपने अंदर ज्ञान रखना, लेकिन कभी उसका प्रदर्शन कहाँ करूं जब उसकी आवश्यकता। तुम्हारे बगल में एक लड़का खड़ा है, तुम भी तैयारी कर रहे हो, वो भी तैयारी कर, ठीक है, तुम्हें खूब मालूम हो तैयारी कर। मत पूछो उससे क्या पढ़ लिया, क्या रह गया, कोई पूछ नहीं। कंपटीशन पे बात ही नहीं कर। अब वो अपनी तैयारी के गुणगान करना शुरू, अपना तो पहुंच गया, अपन ने आईपीसी पूरी रट डाली है कि पढ़ डाली है, दोनों बनता है नहीं पढ़े भी। तो उन्होंने एक लाइन में बस अंतर बता दो कि हत्या और आपराधिक मानव वर्ग जो हत्या नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस। कब कैसे जंप कहां कौन सी चीज मार जाएगी, तो ये जो नौटंकीबाजी करते हैं ना, ये रट लो, ये कर लो, वो कर लो, ये तुम्हारे कैरियर को बर्बाद कर। हम तुम्हारे कैरियर को कम से कम इतनी दिशा को दे रहे हैं, बॉस अगर तुमने मुझे ढंग से सुना है और ढंग से तुमने खुद पढ़ा है, एक बार तुम्हारा भी मन होगा नौकरी भले तुम्हारी हाईकोर्ट सिविल जज बन जाओ तुम, लेकिन एक बार तुम्हारे भी मन में आएगा छोड़ो यार नौकरी वकालत कर पैसा भाई है यार, तमाम तरह के कबाब ये वो चूड़ी पूरी तमाम सबसे बुरा विभाग है चुगल खोरों की जमान। कौन तुमसे जल रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अपने मन में जीलत रखे हुए है, पूरी पूरी से आपस के व्यक्ति डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाए एक दूसरे का मालूम। अभी कल एक जज की बैठ गई ना, मैनेजर आया था धीरज कुमार जेल में, उसकी डी बिठवा दी आप हो गए, कोई आया हैं? शुरू करें क्या पढ़ना है आज, कौन सी डेफिनेशन है, उबत अटैच टू हर हो चुका एक्शन मैं बहुत इत्मीनान से तुमको ये परिभाषा समझाऊंगा क्योंकि मुदित ने तो पहले से पढ़ रखी है, शिवम ने भी पहले से पढ़ रखी है।
साढ़े नाल रहोगे तो रेस्ट करो। ये वचन है मेरा, यहाँ बैठ के गया है और जो मुझसे सुन के गया है वो अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी रहा है, बहुत आराम। मेरे लोग जो बेचारे साल साल भर कोचिंग पढ़ के रह गए, उन्हें लगा कि हम तो नहीं सुबह जल्दी तैयारी हो रही, लेकिन वे तो सीख गए कि बता लो दोनों हैं वो मिल के करते हैं, दोनों दोनों रोज मिलते हैं हमको, हमें पाँच मिनट के हम क्या हाल आपके आशीर्वाद से बढ़िया दार होते चल वो लग दो जने तो जरा अपने अंदर ज्ञान रखोगे ना, तुम सोचो ना बहत्तर इंटरव्यू देने के बाद मैं ये बाहर बैठा हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी कोई कहे कि राधे श्याम शर्मा एक असफल व्यक्ति है क्या? हमारी सफलता के झंडे ऐसे गड़े हुए हैं एमपी जुडिशरी में, चाहे इतने बड़े आरामची भरामची आ जाए वो उखाड़ नहीं पाएंगे। हमने इतने थोक में सिलेक्शन करा, अब धीरे धीरे व्यवस्थित करेंगे इसको, ज्यादा पढ़ाएंगे, एक बैच बस शाम को पढ़ाया करेंगे, डेढ़ दो घंटे बैठा करेंगे, दस पंद्रह स्टूडेंट डॉक्टर मान हमारी गप्पे तुम जानते हो किस लिए हैं। चलिए एक्शनेबल चुए ऑनलाइन है वो एक्शनेबल क्लेम मीन्स, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ी चर्चा कर दू। पहले टेक्निकल बात नहीं करते, पहले सिंपल बात करते। एक आम आदमी एक्शनेबल क्लेम में वर्ड एक्शनेबल का संधि विच्छेद करो, एक्शन एबल, एक्शन माने कार्यवाही, और एबल माने योग्य। हर दावा जो कार्यवाही योग्य है न्यायालय में, फॉर विच यू हैव मे हैव रिलीव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, यू हैव राइट टू हैव सम काइंड ऑफ रिलीफ, हर क्लेम एक्शन, चाहे वो क्रिमिनल हो, रॉन्ग तो कई प्रकार के हैं, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है ठीक है, जो रॉन्ग है उसके लिए एक्शन आ सकता है कोर्ट, तो हर रॉन्ग अपने आप में एक्शनेबल होता है। रॉन्ग से मतलब गलत काम, मैं थोड़ा आप भाषा से ही ध्यान रखिएगा, मैं जब जब पढ़ाऊं, रॉन्ग माने दोषपूर्ण कार्य, गलत काम जो आपने किया है, जब मैं रॉन्ग वर्ड को यूज करूं कई जगह अलग शब्दों में इस्तेमाल होगा और आपको थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए कि मैं इंग्लिश भी बोलता हूं, बिकॉज यहाँ ज़्यादातर लोगों का मीडियम इंग्लिश है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ हिंदी में भी बोल, हिंदी में ही बोलता हूँ, बट फिर भी इंग्लिश में बोलना मजबूरी कभी कभी हो जाती है, क्योंकि तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हम इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो तुम लोग कर नहीं पाओगे, तो हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते रहेंगे तो तुम्हें सेंटेंस के फॉर्मेशन बनते रहते हैं माइंड,
है ना, तो एक्शनेबल क्लेम अच्छा बैकग्राउंड बता रहा है। तब इस परिभाषा के हिसाब से देखें, गो थ्रू दिस डेफिनेशन, एवरी क्लेम इज एक्शनेबल, बोलो, एवरी रॉन्ग इज एक्शनेबल, वेदर सिविल और क्रिमिनल, बोले। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसे बहुत कॉम्पैक्ट डेफिनेशन में समझ, बहुत कॉम्पैक्ट सेंस में लिया गया है, बहुत सीमित अर्थों में इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि ये एक प्रकार का अधिकार होता है। अनुयोज, अनु शब्द प्रयोग किया गया है, अनुतोष, योज्य माने योग्य, ऐसा कुछ भी गलत काम जिसके लिए आप अनुतोष पा सकते, रिलीफ ले सकते, शब्द समझ में आ रहा है। हर क्लेम एक्शनेबल, लेकिन हर क्लेम ट्रांसफर कि क्लेम हमारा और हम तुमको ट्रांसफर कर, लो ये क्लेम आज से हमने तुम्हें ट्रांसफर किया, तुम दावा करो। समझो बात, तुम हमारे पास एक संपत्ति को रहन रखते हो, रहन एक शब्द उर्दू का है, फारसी का है, रहन, रहन का मतलब होता है जिस एक धन के बदले में कोई प्रतिभूति दे, सिक्योरिटी दे, प्रेजेंट समय में उसे क्लासिफाई कर लिया है रहन को, प्लेज मतलब पॉन और उसमें इसमें ऑन और हाँ और मोर्गेज, सॉरी, अगर संपत्ति चल है तो कौन है, प्लेज है, गिरवी है, और अचल है तो मत। अब अगर हमने एक संपत्ति 6 महीने के लिए राम स्वरूप को बंधक कर दी, थोड़ी देर के लिए समझ, राम स्वरूप को मैंने बंधक कर 6 महीने, अब 6 महीने निकल गए, मैंने पेमेंट नहीं किया, राम स्वरूप का वो क्लेम एक्शनेबल है, कोर्ट में नहीं जा सकता, टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग वो प्रेयर नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति जो हमको बंधक की गई थी उसकी समय सीमा निकल गई है, बंधक करता अभी भी सुहाने नहीं आया है, 2 बार सूचना दे चुके हैं, श्रीमान से निवेदन है, क्या ऐसा प्रतीक होता है कि बंधककर्ता संपत्ति को का मोचन कराने में असमर्थ है, प्रार्थना कर दी उसमें कि सारी बंधक संपत्ति क्रय करा ली जाए, इससे प्राप्त धन से उन बंधककर्ता के धन की तुष्टि हो, बंधकदार के धन की तुष्टि, ये प्रेयर होती है। आगे और चलेंगे फिर बहुत सारी बातें करेंगे, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो अब ये क्लेम एक्शनेबल नहीं है क्या, है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये अभी किसी को ट्रांसफर नहीं, हम जो ट्रांसफर करेंगे वो क्लेम ट्रांसफर नहीं करेंगे, मोर्गेज ही पूरा ट्रांसफर कर, समझना बात को कैसे, कि मैंने मुदित को मोर्गेज रखी,
ड्यू डेट निकल गई या अभी आई नहीं। मुदित ने या ड्यू डेट निकल गई, मुदित आए सब पैसे दे दो और ये रिडीम करा। मैंने कहा रवि मुदित मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं। वो तो कहा कितना टाइम लगेगा, हमने कहा हम कुछ नहीं कर सकते इस समय, हम पाकिस्तान बने हुए हैं, थोड़ा सा रहम करो, है ना। तो मुदित क्या करा, मुदित गए शिवम के पास, क्योंकि तो मुदित को तुरंत पैसे की जरूरत थी और हम दे नहीं पा रहे, इन्हें तुरंत पैसे की जरूरत थी। तो ये शिवम के पास गए कि शिवम ये बंधक हमें इस प्रॉपर्टी का सर ने किया है, इतने रुपए आज तक ब्याज सहित हो गए हैं, तो मुझे दे दो इतने रुपए और ये बंधक मैं तुमको ट्रांसफर कर देता, आगे ब्याज तुम लेते रहे। या हमने पूरा मोर्गेज ही ट्रांसफर किया है, मोर्गेज ट्रांसफर हुआ एक से दूसरे में, और जो जिसने जिसने खरीदा मोर्गेज जो ट्रांसफर ही है वो सब्स्टिट्यूट हो और नहीं समझ में आई बात नहीं। जब इनके पैसे हमने कह दिया कि जाओ मुदित शिवम से ले लें, या हमने शिवम से कहा शिवम मुदित को पैसे दे दें ना, हम पे अभी व्यवस्था नहीं, पर हम तुम्हें दे देंगे, होता है कि ना। तो हर क्लेम एक्शनेबल होता है, लेकिन हर क्लेम ट्रांसफरेबल नहीं। दो प्रकार के राइट हैं, दो प्रकार के क्लेम हैं, दावे हैं। क्लेम का मतलब है क्लेम ऑफ राइट, किसी अधिकार की मांग, मैं कोई राइट क्लेम कर। तो जो सेक्शन है वो ऐसे बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ डेट, नहीं राइट टू रिकवर अ डेट विच इज नॉट सिक्योर्ड बाय वे ऑफ ईदर प्लेस और हाइपोथेटिसन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और मोर्गेज ऑफ इमूवेबल। अब हिंदी में अनियोज्य दावे से अभिप्रेत है ऐसे ऋणों को वसूल करने का दावा जिनके लिए प्रतिभूति के तौर पर चल संपत्ति के रूप में न कुछ गिरवी किया गया है न आड़मान किया गया है और ना ही उस ऋण के बदले में किसी चल संपत्ति का बंधक किया, उस ऋण को वसूल करना जो तुम्हारा राइट है वो एक्शन है। फिर दोबारा सुनना तुम्हें अपने आप बात समझ में आएगी। वैसे एक लाइन दो शब्द समझ लो, राइट टू रिकवर अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड क्या कह रही है धारा। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम, क्लेम ऑफ अ डेट, किसी ऋण किसी ऋण का दावा जिसके लिए उस ऋण के लिए जो हमने किसी को दिया है,
मैं ऋण का दावा कर रहा हूं तो मैंने मोदी को 10,000 रुपए ऋण दिए या 10,00,000 रुपए ऋण दिए। कौन सा ऋण? ऐसे ऋण का दावा विच इज नॉट सिक्योर्ड ईदर बाई वे ऑफ प्लेज और हाइपोथेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो सिक्योर्ड नहीं है, ना तो कोई गिरवी हुआ है ना कोई आलमान हुआ है, और मोर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ना कोई अचल संपत्ति बंधक के रूप में उसमें प्रतिभूति के तौर पर दी गई। पहली तीन लाइनें देखो, दो लाइनें, क्या वो अनसिक्योर्ड डेट की बात नहीं कर रही? राइट टू रिकवर अनसिक्योर्ड डेट। अप्रतिभूत दावों को वसूल करने का means claim of a debt which is not secured। अन्योज दावे से अभिप्रेत है ऐसे ऋणों का दावा जिनके लिए चल संपत्ति के गिरवी या आड़मान के रूप में या अचल संपत्ति के बंधक के रूप में कोई प्रतिभूति नहीं दी गई, कोई सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं दी, सिर्फ एक एग्रीमेंट था 100 रुपये 50 रुपया का 100 रुपया का स्टाम्प लिया, उसको हम दोनों ने लिख लिया, टिकट लगा लिया, साइन। रुक कर ढूंढो भाई मिल जाए पुराना, ये सामने स्टेशनरी वालों को पूछ रहे पुराने वालों, रुक कर रखा है देख लेंगे हम अरेंज। पहली लाइन क्या कह रही है? ऐसे ऋणों का दावा जो कि अचल सॉरी चल संपत्ति के गिरवी या आड़मान द्वारा अथवा अचल संपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न ऋणों का दावा, प्रतिभूत ऋणों से भिन्न, इसका मतलब डेट अदर देन दी सिक्योर्ड। अब और सरल शब्दों में, जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। पढ़ो पहली है? ठीक है, ऐसे ऋणों का दावा जिनके लिए चल संपत्ति के बंधक और गिरवी या आड़मान के रूप में और अचल संपत्ति के बंधक के रूप में कोई प्रतिभूति नहीं, प्रतिभूत ऋण से भिन्न, डेट अदर देन दी सिक्योर। अगर वो सिक्योर हो गया, एक्शनेबल तो है लेकिन इस परिभाषा में एक्शनेबल नहीं। हाँ ठीक है, एक क्लेम हो गया। अब आ गया एंड क्लेम टू द बेनिफिट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट इन पजेशन ऑफ क्लेमेंट। ऐसी चल संपत्तियों के लाभों का दावा जो दावेदार के कब्जे में है लेकिन उस चल संपत्ति से होने वाले लाभों से में दावेदार का हक है,
चल दावेदार का हक है। इलस्ट्रेशन बना हुई का चल, मेरा संयुक्त परिवार है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। हमारे यहां अभी कोई पार्टीशन वार्टीशन नहीं हुआ है, परिवार के मुखिया मेरे पिता जी, वो ही सब मैनेजमेंट करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। बसें चलती हैं और ट्रक चलते हैं, ये बस और ट्रक मूवेबल है, हमारे परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है, हम उस परिवार के सदस्य हैं। तीन पीढ़ियों का अधिकार होता है संपत्ति, इसे सैदाईगी कहते हैं, कभी बोर्ड पे हम तुम्हें समझा देंगे कि अचल संपत्ति का बंटवारा जो पैतृक होती है कैसे किया जाता है। शायद हमने कहा और बताया भी हो रहा है, बताया होगा एक कैसे बंटवारा होता है, ठीक है। तो चल संपत्तियां हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसका मतलब यह हुआ कि उन संपत्तियों में उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हर मेंबर का राइट है, नहीं है क्या? क्योंकि तो बिजनेस तो HUF का है, संयुक्त परिवार का है, किसी एक का नहीं है। वो एक अलग बात है कि मैनेज पिताजी कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो हिंदू लॉ में उन्हें कर्ता खानदान बना दिया, उन्हें थोड़े अधिकार दे दिए, भाई परिवार की भलाई के लिए कोई काम करना हो, पैसे खर्च करना हो तो आप ही करो, है ना। अब वो बसें हमारे कब्जे में नहीं है, ट्रक हमारे कब्जे में नहीं, किन्हीं के कब्जे में पिताजी है, सब कुछ ना मेरे वास्तविक कब्जे में ना कंस्ट्रक्टिव कब्जे में, मेरा कोई पोजेशन उनका है ही नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि हम संयुक्त परिवार के सदस्य हैं इसलिए उनसे होने वाले लाभों में मुझे हक प्राप्त करने का अधिकार है, मुझे लाभ में अंश पाने का अधिकार है। चल संपत्ति अचल से नहीं, चल से ये भी मेरा अनियोजित हुआ है, ये मैं चाहूं तो तुमको ट्रांसफर कर सकता, जैसे यारे मुझे मेरे पिताजी ने 6 महीने से हिसाब में मेरे पैसे इतने अभी नहीं दिए, है ना, और ये रिटेन है तो उन्होंने नहीं दिए, कोई डिस्प्यूट नहीं, उन्होंने लिख दिया कि इसको कोई पैसा भविष्य में दे दिए। हमने मुझसे कि हमने बोल दिया ये 1 साल का किराया पिताजी ने हमको नहीं दिया है और उन्होंने वचन दिया है कि वो दे देंगे, तो तुम यार हमें पैसे की जरूरत है, तुम ये हमारा क्लेम ले लो, तुम हमारे पिताजी से दावा करके वसूल कर लेना। या हमें हमसे ही वसूल कर लेना, हमसे वसूल करोगे हम संयुक्त परिवार के सदस्य बताएंगे, वो सब हो रहा है। मान लो तुम अकेले भी दावा हमारे खिलाफ लेके आओगे तो संयुक्त परिवार पूरा बुलाया जाएगा, भाई जरा सुनो इसकी ये क्या कह रहा है, परिवार का मेंबर है तुम्हारा और परिवार की संपत्तियों में इसका हक है। ये दूसरा क्लेम, तो 2 प्रकार के क्लेम एक्स ने भी हुए। पहला, ऐसे ऋणों को, अब मैं सरल भाषा बता, ऐसे ऋणों को वसूल करने का दावा जिनके लिए चल या अचल संपत्ति के रूप में कोई प्रतिभूति नहीं दी गई, ऐसे ऋणों का दावा, ऐसे ऋणों को वसूल करने का दावा अनियोज्य दावा है और ये किसी को भी अंतरित किया जा सकता है।
दूसरा नंबर दो, चल संपत्ति के लाभ का लाभ। तुम्हें मेंस बता रहे हैं, मेंस है चल संपत्ति के लाभ का लाभ, है ना। उसी को लिखा कि चल संपत्ति से होने वाले लाभों में अगर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, कोई आर्थिक लाभ है, तो वो उसे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। कोई भी लाभ जो उससे हो रहे हैं वो उनका हकदार है, संयुक्त परिवार का सदस्य होने के नाते वो हकदार है, यदि तो वो उसे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे हमें हर महीने उस बिजनेस में से 10,000 रुपये प्रॉफिट मनी मिलती है, ठीक है। हमने आज से एक डील लिखी और हमने कहा साहब आज के बाद ये 10,000 रुपये शिवम को दे देंगे, तो हमारा परिवार हमारी बात मानने के लिए मजबूर है। हम किसी के पिताजी का नहीं दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं जो मेरे पास है। जो नहीं है वो नहीं दे सकते, लेकिन जो है वो तो दे सकते हैं। संपत्ति अंतरण में एक विशेषता है, एक लाइन याद रखना, संपत्ति अंतरण के समय एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, अस्तित्व में होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी। कब अम्मा मरेंगी, कब तेरे गई, तो हो गए। अब तीसरा क्लॉज, न्यायालय, सिविल न्यायालय जिसे अनुतोष प्रदान करने के लिए आधार मानता हो, ये तीसरी लाइन। ऑनलाइन बैठे लोग कोई रिएक्ट नहीं करते, वो को बैठो ये तो दो ही हो गए। चलो ठीक है, पढ़ो तुम, मजे करो उनसे, जरा उनसे बोलो कि हेलो आप, हेलो तुम लोग अपना माइक चालू करो जरा, ऑनलाइन बैठे लोग अनम्यूट हो। तो भाई नहीं हो रहे क्या, ऐसे नई दुल्हन की तरह शर्माओगे तो कैसे काम चले। बच्चों राधेश्याम शर्मा की तो हुई ही यही है कि वो इनवाइट करता है कि तुम पूछो हमसे, क्वेश्चन पूछो हमसे, हमारा टेस्ट लो तुम कितना ले पाते। ये लोग कोई रिएक्शन ही नहीं देते, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। सिविल न्यायालय जिसे अनुतोष प्रदान करने के लिए आधार मानता, इस शब्द का अर्थ, इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि जिसके लिए आप सिविल कोर्ट में दावा कर सकते, वो एक्शनेबल कब तक है, जब तक हम कोर्ट में उसके लिए सूट फाइल कर सकते। जिस दिन सूट फाइल करने का राइट हमारा खत्म हो जाएगा उस दिन वो एक्शनेबल रह जाएगा। ऋण हमने 5 साल पहले लिया था, अब एक्शनेबल रह गया वो, बोलो सिविल न्यायालय में क्या तुम उसके लिए कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेशन तो ऋण की 3 साल ही है ना, तो अब तो वही क्लेम नहीं कर सकते और तो हमें क्या ट्रांसफर करो, तो ये ध्यान रखना चाहिए। खैर वो तो सब देख लेते हैं, जब बैठते हैं जब व्यवहार होते हैं तो यही सब चीजें देखी जाती है नॉर्मली। तो सिविल न्यायालय जिसे अनुतोष प्रदान करने के लिए आधार मानता हो, अर्थात यस आपको ये राइट है, आपको इसमें रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। और एंड
which may be present, accruing, conditional and continuing, और जो कि वर्तमान, प्रोद्भवमान, सशर्त या समाश्रय, पहले आइए वर्तमान। दावा वर्तमान में करने का अधिकार है। मुझे इतने हमसे कही थी 31 जुलाई तक पैसा दे जाएंगे। ओ, आज अगस्त है भी, आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? एक्शनेबल है, मान लो लिमिटेशन निकल गई और कोर्ट ने लिमिटेशन कंडोन नहीं करी, डिले कंडोन नहीं किया, लिमिटेशन एक्सटेंड नहीं की तो दावा खारिज है। और लिखा भी है लिमिटेशन वार्स दी रेमेडी नॉट राइट, तो राइट रेमेडी तुम्हारी खत्म। अब अचार का तुम छूट, राइट का तुम चूचू का मुरब्बा डालते हो, क्या करोगे बताओ? जब तुम्हें कोई राइट है, वैसे तो लैटिन लैटिन में मैक्सिमम है 200 सीट, हाँ वो कुछ ऐसे ही करके हिंदी में उसे इंग्लिश में या हिंदी में ऐसे बोलते हैं, कैसे प्रेजेंट वहां। अब 31, आज 23 अगस्त हो गई, 25 अगस्त हो, इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे मुदित के लिमिटेशन 1 अगस्त से शुरू हो गई, 3 साल, ये 3 साल तक एक्शनेबल है, ट्रांसफरेबल है, सब कुछ है। लेकिन एक बार लिमिटेशन निकल गई, इन्हीं की रेमेडी खत्म हो गई, इन्हीं की रेमेडी खत्म हो गई तो अब ये तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे तो तुम्हें भी रेमेडी नहीं मिलेगी कुछ, तो फिर तुम उसका करोगे काम नहीं। अब मैं वर्तमान क्यों कह रहा हूं, आज है 25 अगस्त, क्या मुझे राज दावा ला सकती हूँ उसके लिए? ये वर्तमान अनियोज्य दावा है, ठीक है। मुझे इतने हमसे कही साहब 31 दिसंबर को पैसे दें, ये प्रेजेंट है, आज हम दावा कर सकते हैं, प्रीमेच्योर हो जाए। तो ये 31 दिसंबर अगले ने कही है और तुमने एग्रीमेंट किया है तो वेट करो, तो प्रीमेच्योर सूट है, ये नहीं चलेगा 31 दिसंबर के बाद। तो आज ये दावा मुझ में नहीं है, निहित नहीं है, आज ये अधिकार मुझको नहीं है, लेकिन एक निश्चित समय पर मिल जाए, 31 दिसंबर तक अगर पैसे नहीं आए तो 1 जनवरी को हमें वसूल करने का अधिकार उत्पन्न हो जाएगा, आज नहीं है, तो इसे कहते हैं प्रोद्भवमान, जो भविष्य में जिसका उद्भव हो, ठीक है, क्लियर। अक्रूई जो अक्रू होगा, बाद में पैदा होगा, होगा जरूर, ठीक है, जो वर्तमान प्रोद्भवमान सशर्त। हमारे परिवार में नियम है कि जो मौड़ा को ब्याह हो जाए वो पर 20,000 रुपया महीना पॉकेट मनी मिलेगी, जहां को ब्याह नहीं होता है 5,000। अगर हाँ ब्याह नहीं हो तो क्या वो 20,000 रुपये जो हमें मिल रहे हैं तुम्हें ट्रांसफर कर सकते हैं? नेमू डेट और नॉन एवेट अभी मिले ही नहीं। अब 20 हो गया है जी हमारे, तो
बाप ने तो शर्त लगी, क्या शर्त लगी, जाओ कर ली हमने तुमसे की हमने ये 25 हमें 20 मिल को शुरू हो जाएंगे हम कन्ना से ब्याह कर लेंगे तो तुम यार ले लो ब्याह तुम करेगी हाँ तो वही लेकिन मुझे मिलने वाला लाभ ये सशर्त है फिर भी हम तुमको ट्रांसफर कर सकते हमने बता दी तुमको कि बॉस ये कंडीशन लगी हुई है बोलो जुआ खेलते हो क्या जुआ है तुमने ले ली हमने ब्याह दी चल सन्यासी मंदिर में इनके तो पैसे चले सशर्त भी हो सकता है सवाशर्त किसी ऐसी घटना के घटित होने या ना होने पर आश्रित और कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट बने सवाशर्त समझो जैसे मैं ये कहूं कि अभी इंडिया की सीरीज चल रही है नहीं चल रही चलो छोड़ो पाकिस्तान का मैच चल रहा है अगर 24 में मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मैं तुमको 50,000 रुपए ये 50,000 रुपए तुम्हारा न वर्तमान है न प्रोद्भवमान है न सशर्त है ये एक ऐसी घटना के घटित होने पर आश्रित है जो अनिश्चित है क्या तुम्हारे कंट्रोल में है कि मोदी को हटाए दो बनाए दो कि अगर इंडिया जीत गया तो हम तुमको 50,000 रुपए देंगे ये सशर्त नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी घटना पर आधारित है जो अनिश्चित है घट भी सकती है और नहीं भी कर सकती हमने मुझे सिक्किम बजट के 50,000 रुपया है ले रहे हो 25,000 हमें दे दो ये 50 ले लो इंडिया जीत गई तो तुम्हें 50 मिल जाएंगे हार गई तो टैटे को पा ये आईएल में जो सत्ता खेलने वाले तो नहीं करते मतलब एक एक बॉल में सट्टा लगता अगले बॉल पे बोले 4 रन बोले डॉट जाएगी तीसरे रन का विकेट गिरेगा 4 रन की छक्का लगेगा स्पेकुलेशन जाग की निगर पड़ी बल्ले तो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन एक बार पढ़िए समझिए मेंस में लिखने के लिए आ सकता है तो पहले तो बताना बेयर एक्ट की परिभाषा 4 लाइन की परिभाषा है फिर बताना कि उपरोक्त परिभाषा के अनुसार 2 प्रकार के दावे अयोग्य दावे माने जा सकते नंबर 1 जिसके लिए कोई प्रतिभूति नहीं कोई ऋण जिसके लिए कोई प्रतिभूति नहीं नंबर 2 चल संपत्तियों के लाभों का दावा जबकि संपत्ति दावेदार के कब्जे में नहीं इनको थोड़ा विस्तार से 3-3, 4-4 लाइन में फिर बताओ कि सिविल कोड जिसे आधार मानता हो ग्राउंड जिस दावे की समय सीमा निकल गई हो क्या कोर्ट उसमें रिलीफ देने को रिलीफ का ग्राउंड मानेगा ऐसी एग्जाम्पल
यदि किसी ऋण की समय सीमा निकल गई है तो फिर वो अनियोज्य नहीं रह गया है, और अनियोज्य नहीं रह गया है तो फिर सिविल न्यायालय उसमें अनुदोष भी प्रदान नहीं करेगा, तो फिर वो अनियोज्य भी नहीं रहेगा, अतः वो अंतर्ण भी नहीं है। बिना पढ़े के मेल से लिखे थे हम जो वर्तमान, अब लिखो फिर अगली एडिंग डालो, चार प्रकार का हो सकता है, वर्तमान, प्रोद्भवमान, सशर, समान। वर्तमान क्या है? चार लाइन में ये बताओ। प्रोद्भवमान क्या है? दो लाइन तीन लाइन में ये बताओ। सशर क्या है वो बताओ। एग्जाम्पल ऐसे ही डाल के, जैसे किसी के ऊपर विवाह की शर्त में, विवाह करने की शर्त पर किसी को कोई लाभ मिलना हो तो वे लाभ सशर्त लाभ है, तो वो हम अंतरण कर सकते हैं, लेकिन सशर्त है ना। फिर अंतिम समाश्रित, जो जिसके ऐसा लाभ जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर आपको मिलना हो, जबकि घटना असंभव, घटना अनिश्चित, अनिश्चित से अर्थ है जिसके घटित होने की और घटित न होने की संभावनाएं बराबर। ठीक है, और बड़ा करना है, मान लो ज्यादा बड़ा पूछा है तो 130 31 हो गए। अनियोज्य रावा ट्रांसफर कैसे होता है? एक डीड लिखो, डीड में दोनों पक्षकार साइन करो, और जैसे ही दोनों ने साइन करे अनियोज्य दावा। आपको समझ नहीं है? हम डीड वर्ड जब बोले तो मतलब लिखे डीड, हर वो ट्रांसफर जो लिख के किया जाता है उस जो लेखक है उसे डीड बोलते हैं, है ना, सेल डीड, मोर्गेज डीड, है ना, और सामान्य भाषा में है ना कन्वेंसिंग। ठीक है, कन्वेंसिंग के ये प्रकार है, कन्वेंसिंग पांच प्रकार से, सेल, मोर्गेज, लीज, एक्सचेंज और ठीक है। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन समझ में आ गई है? यहाँ पे अपन ने वैसे डिस्कस किया कंडीशन, तो आपने एक एग्जांपल दिया था शादी, और शादी होगी तब भी क्लियर होता है, तो सर उसको स्पेस सक्सेसनेस जो अपन आगे बढ़े, नहीं स्पेस सक्सेसनेस क्योंकि वो भी मिलने ही वाला है हमको, टर्म्स ऑफ देयर अपेयर नहीं मिलने, शादी तो होगी, शादी निश्चित घटना है सर, वो भी किंग्समैन मरेगा तो है एक टाइम पे सर, नहीं उससे क्या मतलब, नहीं सर वहाँ पे भी सर्टेन ही है क्योंकि वृद्धि होगी, जैसे मान लीजिए राम स्वरूप के बाद वो एक अलग चीज है, उसको यहाँ क्यों काउंटर कर रहे हो, कंडीशनल तो नहीं रख सकते, नहीं कंडीशन वो तो फिर सर्टेन इवेंट हो जाएगी ना, कंडीशन तो तुम्हें फुलफिल करनी है या कोई और कंडीशन। हाँ ये भी चलो, शिवम की पिछली बार हमने ये एग्जांपल दिया था सर, हाँ इस शिवम का ये एग्जांपल दिया कि जिस दिन राम स्वरूप मर जाएगा उस दिन हम तुम्हें 2,00,000 रुपए देंगे, सशर्त है, है? लेकिन अनिश्चित घटना पर आधारित नहीं, राम स्वरूप तो मरेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जानना मरे मरना पैसा शर्त। लेकिन हाँ इस बात पर अभी तक मुझे कोई क्लियर कट व्यू नहीं मिला कि कंडीशन का नेचर क्या है, मैंने बहुत कोशिश की जानने की
एक कंडीशन का नेचर क्या है, क्या व्यक्ति को कोई काम करना है वो कंडीशन है, या कोई प्राकृतिक घटना कंडीशन है ना? सर बहुत ही हम सर्टेन कर देंगे तो कंडीशनल का जो रिजिम है वो बहुत वाइड होता है, वाइड अगर हम कॉम्पैक्ट सेंस में देखें तो एक ऑफ पार्टीज में किसी एक के कंट्रोल में है, आप शादी करें या ना करें, नॉट इज अ कंट्रोल ऑफ वन पार्टी, अदरवाइज इट विल गो इनटू द कॉन्टिंग बिकॉज़ देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन द स्पेस सक्सेशन एंड द कंडीशनल. But the problem with space succession is that it is very certain. बिल्कुल सर. That amount to be a pedigree, वो fulfill होनी है. But in conditional, that is in the control of either of the party, either you or either me. सर यहाँ पे एक और view मेरे विचार में बन सकता है, ये है कि यहाँ पे actionable claim में interest which is accruing in nature. सर आपने example दिया था कि 31 दिसंबर को जो right accrue होने वाला है. तो स्पेस सक्सेसनेस वो भी अक्रू होगा एक समय पे, वहाँ पे भी सर्टेनिटी है, यहाँ पे भी 31 दिसंबर में सर्टेनिटी है, लेकिन ऑन द अदर नहीं, सर्टेनिटी नहीं है स्पेस सक्सेसनेस. सर एक दिन तो मरेगा किंग्समैन, नहीं वो मान लो वो किंग्समैन विल लिख गया तो किसी और के फेवर में. सर सर्टेनिटी सर, अरे थोड़ी देर विल करेंगे किसी. सर सर्टेनिटी हम सक्सेशन से जोड़ रहे हैं ना, इनहेरिटेंस से जोड़ रहे हैं, सक्सेशन से जोड़ रहे हैं, डिवोल्यूशन से जोड़ रहे हैं, मान लो ये तीनों ही लॉ नहीं लगे सर. सर अगर तो फिर सर ये भी है कि जैसे कंडीशनल में बताया है, जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि कंडीशनल में ये है कि सर्टेनिटी नहीं है, तो वहां पे भी सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि बिल लग गया, तो बिल लग गया तो खत्म, सर्टेनिटी हो गई. अब जब तक वो जिंदा है उसके हायर को तो नहीं मिलेगा, नहीं वो तो जिसके फेवर में बिल एग्जीक्यूट हुई है उसको मिलेगा. एयर को क्यों मिले सर, एयर को तो 50-50 चांसेस हो जाएंगे, यानी कंडीशनल. एयर के लिए तो एयर के लिए कंडीशनल भी नहीं है, मतलब प्रोवाइडेड कि वो बिल ना लिखे किंग्समैन और मर जाए, तो ये एक कंडीशन सर, एक सेंस में कह सकते हो आप, कह सकते हैं लेकिन सर वो टेस्टामेंट्री होगी, टेस्टामेंट्री हो जाएगा, और टेस्टामेंट्री टीपी इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट टेस्टामेंट्री हो गया वो तो टीपी एक्ट के तुरंत ही बाहर हो गया. किंग्समैन वाला फॉर्मूला हिंदू तक लग रहा है, हिंदू मॉर्टल है, फिर हम एक्शनर को क्लेम करने लेके जाएंगे. हां इसीलिए मॉर्टल में तो वो होती, इसीलिए उन्होंने वो लिख दिया है कि आगे चैप्टर 2 मॉर्टल लॉ पे लागू नहीं होगा. बड़े शर्मीले लोग बैठे हैं भाई, हैं नए स्टूडेंट्स ने, नए स्टूडेंट्स ने नहीं, नए कॉलेजन में तुम बच्चों का कैरियर बुरी तरह बर्बाद किया है, इतनी बुरी तरह बर्बाद किया है. ये शिक्षा व्यवस्था हमारी कोलैप्स कर रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है. बस वो तो IITs और IIMs इनके बेस पे चल रहा है, नहीं हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है कोलैप्स कर गया है. तो मैं अभी मालूम नहीं है भाई कॉपियाँ कौन कौन जांचता है. हाँ और वे लोग जिन्होंने 20 बढ़ गए LLB करी है, नकल करके LLM करिए, वे लोग कॉपी जांच रहे हैं. हाँ मत कर.